नमस्कार, स्वागत है आपका अपना प्रदेश उत्तर प्रदेश में। मैं हूं आपके साथ सचिन चौहान। तमिलनाडु के सीएम एमके स्टालिन के बेटे उदयनिधि स्टालिन के सनातन धर्म को लेकर दिए गए बयान पर विवाद शुरू हो गया है। दरअसल उदयनिधि ने एक सभा में बोलते हुए सनातन धर्म की तुलना मलेरिया और डेंगू से की थी, साथ ही इस पूरी तरह से इसको मिटाने की बात भी कही है। अब इस टिप्पणी पर विवादित टिप्पणी को लेकर प्रतिक्रियाएं भी सामने आ रही हैं। देखिए, इन बातों का कहना कोई उचित नहीं है, ये सब लोग जानते हैं क्या है, सच्चाई क्या है। विचारधारा, यदि आपने कल देखा कि हमारे आरएसएस के चीफ मोहन भागवत जी ने जाने कितने लोग हमें चोट पहुंचाने की कोशिश करने, खत्म करने के लिए कोशिश कर लिए, लेकिन हम लगातार आगे बढ़ते हैं क्योंकि हमारे अंदर उदारता है, वो सनातन है। सबको साथ लेकर चलना वो सनातन है, सबको सबका साथ सबका विकास ये सनातन है। और ये जो स्टालिन की सोच को जो ये लोग आई डॉट एन डॉट डी डॉट बना करके सपोर्ट कर रहे हैं, उसको न तो घोसी की जनता और न तो देश की जनता कभी सफल हो। हिंदू धर्म आदिकाल से विस्तृत है, उसको दबाना किसी के बस के बाहर की बात है। जितना लोग दबाने की कोशिश करेंगे उतना ये बृहद रूप से विस्तृत प्रकट होगा। इतिहास इसका साक्षी है कि हजारों या लाखों युगों से वर्षों से सनातन धर्म पर लोग आक्रमण करते जा रहे हैं, लेकिन वो प्रखर मात्रा में विकसित होता चला जा रहा है। ये किसी मानव जात के बस के बाहर की बात है कि सनातन को धर्म नष्ट करें। कांग्रेस पार्टी सनातन को मिटाने वालों का समर्थन नहीं कर सकती। सर, बात करें वन नेशन वन इलेक्शन की बात चल रही है, उसको लेकर क्या कहना आपको? देश के हित में अगर कोई कानून आता है तो इसका हम स्वागत करेंगे। सवाल देश का है, सवाल राष्ट्र का है, सवाल 130-135 करोड़ लोगों के भविष्य का है, सवाल पक्ष और विपक्ष का नहीं है। अगर हमारे विरोधी दल की सरकार है, यह अति निंदनीय और घृणित है। अखिल भारतीय संत समिति का इतना ही कहना है कि करोड़ों वर्षों से मिटाने वाले मिटते चले गए और भारत की सुप्रीम कोर्ट ने सनातन हिंदू धर्म को जीवन जीने की पद्धति माना, तो असभ्य बर्बर लोगों को ये बात समझ में नहीं आएगी। संत समिति का यह मानना है कि ऐसे असभ्य बर्बर लोगों के लिए समाज में कोई जगह नहीं हो सकती। सत्ता और सरकारें अगर ऐसे लोगों को पोषित करेंगी तो समाज में अशांति ही फैलेगी। और वे लखनऊ के वेदांत सत्संग आश्रम में संस्कृति संसद के आयोजन को लेकर अखिल भारतीय संत समिति के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक हुई है, जिसकी अध्यक्षता अखिल भारतीय संत समिति के मुख्य निदेशक निर्मल पंचायती अखाड़ा के महंत ज्ञानदेव सिंह ने की है। वहीं समिति के राष्ट्रीय महामंत्री जितेंद्रानंद सरस्वती ने बताया है कि 2 नवम्बर को देश भर के 600 महामंडलेश्वर गंगा माँ के दर्शन के उपरांत सभी संत काशी विश्वनाथ मंदिर परिसर में मां रुद्राभिषेक करेंगे और 3 संकल्प इसमें लिए जाएंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम डिस्टमेंटलिंग ऑफ ग्लोबल हिंदुत्व का जवाब संस्कृति संसद के जरिए विधर्मियों को देने वाले हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हमारे देश के कुछ लोग जॉर्ज सोरोस की गुलामी में लीन हैं और हिंदू धर्म पर हमला करने में लगे हुए हैं। उन्होंने आगे कहा कि संस्कृति संसद की तिथियों का चयन ऐतिहासिक महत्व को ध्यान में रखकर यह किया हुआ है। जवाब देंगे, बस हमारे जवाब देने का अंदाज अलग है। हम हिंसा में विश्वास नहीं करते, हम न्यायपालिका में आस्था रखते हैं। हमने तब भी कहा था कि राम जन्मभूमि का संघर्ष न्यायपालिका के माध्यम से लड़ना चाहते हैं, लेकिन जब न्यायपालिका ने कहा कि दिस इज नो मैटर और नो पेरियरिटी, ये सुप्रीम कोर्ट बोल रही है जिस पर 76 बार इस देश में युद्ध हो चुके, उसके लिए प्राथमिकता नहीं कि क्या प्राथमिकता संवैधानिकता के अनुक्रम में सुनना है। प्राथमिकता जो है विवाहेतर संबंधों की बात सुन लेते हैं। तो ये देश में तय करना पड़ेगा कि भारत के न्यायपालिका में बैठे न्यायाधीशों को ये मोटा वेतन जो जाता है भारत के संविधान में, वी इंडियन जो हम पीपल है, हम भारतीय लोग, भारतीय नागरिक के जो संविधान है, इसलिए भारतीय नागरिकों के टैक्स के पैसे से आपको अगर वेतन जाता है तो देश की प्राथमिकता जो होगी उसी प्राथमिकता में आपको विचार करना पड़ेगा। तब संत उठ के खड़े हुए थे 2018 में, देश भर में रैलियां हुई,
और 2019 में सरकार बनी, दोबारा जब सत्ता लौटी और सुप्रीम कोर्ट को कोई रास्ता नहीं मिला तब 40 दिन में सुनवाई नहीं हुई। आज भी हम कह रहे हैं कि कोर्ट में हमारा पूरा विश्वास है, सुनवाई तो करिए, हमें तो नहीं कह रहे कि आप हमारे पक्ष में फैसला सुना दीजिए, तथ्यों को तो देखिए। तो ये संघर्ष चलेंगे। अब इसमें 2 नवंबर को SI की रिपोर्ट की भी तिथि पूरी हो रही होगी, 2 नवंबर को काशी विश्वनाथ में रुद्राभिषेक हो रहा होगा, 3, 4, 5 नवंबर काशी में देश भर से 600 जिलों से संत वहाँ होंगे, और अगले 70 दिन 5 नवंबर से 15 जनवरी 2024 तक संत चले गांव की ओर। और देश भर में 2024 के चुनाव की तैयारियां इस वक्त बहुत जोरों शोरों से चल रही हैं। वहीं भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने कहा कि जिनको इलेक्शन लड़ना है ये उनका चुनाव है, सरकार अगर कुछ ठीक करेगी तो जनता उनके साथ जाएगी। और इसके अलावा वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर राकेश टिकैत ने कहा कि वो राष्ट्रपति को ज्यादा पावर देंगे और जहां विपक्ष को, विपक्ष की जहां पर सरकार होगी उसको गिराएंगे। ये कुछ ये ठीक करेंगे तो लोग इनकी तरफ कुछ चल जाएंगे, ये कुछ नहीं करेंगे तो लोग भाई दूसरी तरफ चले जाएंगे। पूरी चर्चा होनी चाहिए, वो ये है कि राष्ट्रपति को ज्यादा पावर देंगे, जो विपक्ष की सरकार होगी उसकी सरकार गिराएंगे और फिर 4 साल तक, 1 साल में सरकार गिरा के 4 साल तक राष्ट्रपति शासन लागू रखेंगे। क्योंकि अगर कोई स्टेट ठीक काम नहीं कर रही है और वन नेशन वन इलेक्शन का पॉलिसी देश में है तो उसका इलेक्शन कैसे करवाओगे? तो उसका तो यह होगा कि राष्ट्रपति को पावर इस तरह की दी जाएगी कि ज्यादा पावर वहां पर हो जाए राष्ट्रपति शासन लागू करके और फिर उस पर 4 साल तक राज आप करो। और प्रयागराज में बिजली विभाग की बड़ी लापरवाही का आरोप लगाते हुए सैकड़ों ग्रामीण सड़क पर उतर आए हैं। ग्रामीणों की मांग है कि सड़क और मकानों के बीच से गुजरने वाले 11,000 वोल्ट के तार को हटाया जाए, क्योंकि अब तक कई लोग करंट की चपेट में आकर घायल हो चुके हैं। और इसे लेकर हमारे संवाददाता SM आमिर की यह रिपोर्ट भी आप देखिए। थाना क्षेत्र के तेंदुई गांव में जहां कल एक मजदूर फैक्ट्री में 11,000 की लाइन की चपेट में आ गया था जिसकी हालत नाजुक है, अब ऐसे में ग्रामीणों में आक्रोश है और आज वो बिजली विभाग के विरोध में यहां खड़े हैं। हम यहां ग्रामीणों से बात करेंगे किस तरह से उनमें आक्रोश है, क्या समस्या है, किस तरह से आप लोग आज विरोध कर रहे हैं, कितनी समस्या है बिजली। हाँ, लाइन के चक्कर में सब विरोध कर रहे हैं, लाइन पहले उल्टा सीधा हो गया है, इसी चक्कर में कई आदमी यहाँ खतरे पर हो गए हैं। लाइन पहले सीधे थी, अब प्रॉपर्टी डीलर के चक्कर में लाइन उल्टा सीधा कर दिए, इसी चक्कर में लाइन गड़बड़ा गई है सर। अक्सर लोग यहाँ किरण की चपेट में, करंट के 4-5 लोग चले गए यहाँ सर से, ऐसे घायल हो चुके हैं। तो इसकी शिकायत आप लोग ने की? हाँ किए हैं सर, सुनवाई नहीं होती है सर। और लोग से बात करते हैं, आप लोग यहाँ पर इकट्ठा है, क्या परेशानी है? परेशानी यही है कि लाइट उस तरफ से, इस तरफ से जमीन वाले जो यहाँ लेते हैं, प्लाट करते हैं, वो सभी लेकर ये लाइट इस तरफ करा दिए और उस तरफ से घुमवा दिए, वो तार है नीचे, बोलते हैं फिर भी नहीं होता है। इतना खतरा लग, बहुत ज्यादा खतरा, अभी कल भी खतरा हुआ। यहाँ एक छोटी बच्ची भी देखी करंट के चपेट में पहले आ चुकी है और हम उनकी माता जी उनसे भी बात करेंगे। ये बताइए किस तरह की परेशानी आपकी बच्ची, किस तरह से करंट के चपेट में? खेला ही में चली आई लड़कन के साथ में और मार दिए, एक बैग लड़की जो बच्ची साथ में रही वो गई बताई और कोनो हुआ ही नहीं, तब फिर हम लोग जब सुना तो लग गए। बिजली विभाग से शिकायत की? कुछ नहीं, कोई सुनवाई नहीं होती, नहीं। तो सुना आपने कि ग्रामीणों में आक्रोश है और शिकायत करने पर भी कोई समाधान नहीं है, एक छोटी सी बच्ची जिसकी पूरी जिंदगी कहीं ना कहीं खराब हो गई है, तो किरण में चपेट में आने से पूरी तरह से वो झुलस चुकी है, मगर बिजली विभाग अभी भी यहाँ का सुध नहीं ले रहा है और ऐसे में किसी बड़ी घटना के इंतजार में है। जनता टीवी के लिए सैयद मोहम्मद आमिर, प्रयागराज। तो चलिए अब बात होगी 72 जिले 72 बड़ी खबरों की। होटल खोलने के लिए बोरवेल में घुसे हैं 5 लोग, 2 की दम घुटने से मौत, 3 बेहोश। कानपुर में बर्थडे पार्टी के दौरान चली एक गोली, गोली लगने से युवक घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। देवरिया में 2 पक्षों में जमकर मारपीट, 1 की मौत 1 घायल, मामले की जांच में जुटी पुलिस। कासगंज में वांछित अभियुक्तों की गिरफ्तारी के लिए चलाया जा रहा अभियान, पुलिस ने एक अभियुक्त को किया गिरफ्तार, कब्जे से अवैध तमंचा कारतूस और बाइक बरामद।
उन्नाव में धरने पर बैठे हैं बीजेपी के विधायक। पुलिया निर्माण न होने पर जताई नाराजगी। सिंचाई विभाग के अधिकारियों को जल निर्माण का कार्य पूरा करने का अल्टीमेटम। फर्रुखाबाद में दबंगों का कहर जारी है। महिला और उसके नाबालिग बेटे के साथ जमकर मारपीट की गई। फर्रुखाबाद में बाढ़ से 116 गांव प्रभावित। शराब बिक्री पर भी दिखाया असर। केवल अगस्त महीने में करीब करोड़ों के राजस्व का नुकसान। भदोही में कालीन कंपनी में लगी थी भीषण आग। दमकल विभाग की गाड़ियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया था। लाखों का सामान जलकर राख। अलीगढ़ में भगवा टी शर्ट और हाथों में भगवा झंडे लिए युवाओं पर समुदाय विशेष के लोगों ने जानलेवा हमला किया। वारदात के दौरान 4 लोग घायल। लखनऊ के मदारीपुर गांव में ग्रामीणों ने कोटेदार के ऊपर लगाए हैं घोटाले के आरोप। करीब 3 किलो 500 ग्राम राशन कम देने का। देवरिया में बेखौफ रेत माफिया नदियों से निकाल रहे हैं बालू। बदायूं में संदिग्ध परिस्थितियों में युवक की मौत का मामला। परिजनों ने गांव के 2 युवकों पर लगाए हत्या के आरोप। रामचरितमानस को राष्ट्रीय ग्रंथ की उपाधि मिलने की मांग। हिंदूवासियों ने चलाया हस्ताक्षर अभियान। संत कबीर नगर में कॉलेज के छात्रावास पर महिलाओं का कब्जा। पिछले 4 सालों से प्रबंधक की शाह पर महिला ने जमाया कब्जा। औरैया में अज्ञात कारणों के चलते बाइक एजेंसी और कपड़े के गोदाम में लगी थी भीषण आग। कड़ी मशक्कत के बाद आग को कंट्रोल किया गया। औरैया में अज्ञात कारणों के चलते युवक और युवती ने की खुदकुशी। आम के पेड़ पर फांसी लगाकर दिया जान। जांच में जुटी पुलिस। सहारनपुर पुलिस ने नामजद हत्यारे को पुलिस ने किया गिरफ्तार। चिकन मीट विक्रेता की हत्या करने के मामले में आरोपी फरार था। चंदौली में पुलिस ने 2 शातिर नशा तस्करों को गिरफ्तार किया। मौके से 4 किलो अवैध गांजे के साथ एक बाइक भी बरामद। लखनऊ में राष्ट्रीय परिवर्तन दल की बैठक। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर हुई बातचीत। मुख्य अतिथि के रूप में पूर्व सांसद जीपी यादव शामिल। सहारनपुर के मुबारकपुर गांव में ग्राम प्रधान करता स्कूल की सफाई। पीएम मोदी के मन की बात सुनने से हुआ प्रभावित। किसी सफाई कर्मचारी की नहीं उम्मीद। सहारनपुर में संदिग्ध परिस्थितियों में मिला युवक का शव। इलाके में फैली सनसनी। पुलिस ने शव का पोस्टमार्टम करवाया। फतेहपुर के कंपोजिट प्राथमिक स्कूल के प्रिंसिपल से मांगी गई है 5 लाख की रंगदारी। रकम समय पर ना देने पर चालक की हत्या करने की धमकी। पुलिस ने केस दर्ज किया। आगरा में पुलिस का ऑपरेशन टूरिस्ट डिलाइट। एएसपी ने ई रिक्शा चालकों की क्लास ली। पर्यटकों के साथ सभ्य आचरण का पाठ भी पढ़ा। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर मंथन जारी है। वोटर लिस्ट में कटे हुए नए नामों को संपलित किए जाने की भी चर्चा है। रायबरेली में उच्च प्राथमिक विद्यालय के सामने धरने पर बैठे अभिभावक। 16 अगस्त को स्कूल में ताला लगने पर भड़के छात्रों के परिजन। आगरा में 2 पक्षों में झगड़े के दौरान जमकर हुई मारपीट। दबंग पक्ष ने दुकान में विवाद को लेकर ये दूसरे पक्ष पर फायरिंग की थी। 5 लोग इसमें घायल हुए। भदोही में जीटी रोड किनारे बक्से में मिला युवती का जला शव। जांच के लिए फॉरेंसिक टीम के साथ मौके पर पहुंची है पुलिस। अमेठी में सीमेंट फैक्ट्री ने प्रशासन की आंखों में धूल झोंकते हुए सौंपे पशु आरोग्य रथ। डीएम और एसपी ने फीता काटकर आरोग्य रथ का शुभारंभ किया। एटा में एसएसपी राजेश कुमार सिंह के निर्देश पर चलाया गया चेकिंग अभियान। जगह जगह शराब और नशीले पदार्थ का प्रयोग करने वाले 18 लोगों को अरेस्ट किया गया। लखनऊ के निजी हॉस्पिटल के ट्रॉमा सेंटर में मरीज की मौत। परिजनों ने अस्पताल प्रशासन पर लगाया लापरवाही का। बदायूं में तेज रफ्तार कार ने बाइक सवार को टक्कर मार दी। हादसे में बाइक सवार की दर्दनाक मौत। मथुरा में इनामी बदमाश और पुलिस संग एसओजी टीम की मुठभेड़। गोली लगने से घायल हुआ 25,000 रुपए का इनामी बदमाश। फिलहाल यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, लेकिन ब्रेक के बाद भी खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।